स्थिति कैसी बनी हुई है ये जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं। फिलहाल धनबाद सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक, धनबाद में आज स्थिति कैसी दिख रही है लॉकडाउन के दूसरे दिन? देखिए, आज बेहतर स्थिति है आसिया की। हम ये कह सकते हैं कि कल जो है थोड़ा बिल्कुल ढीला ढाला था, लेकिन आज बेहतर है। आज पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त दिख रही है, और यहाँ तक कि अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम कल शाम से ही जो बीड़ा उठाया है युद्ध स्तर पर, आमतौर पर जैसे शहर की सैनिटाइजिंग की जाती है वैसे जो है सैनिटाइजिंग का काम कल शाम से नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप और मेयर शिखर अग्रवाल खुद अपने नेतृत्व में करना शुरू किए हैं। इस वक्त में हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे नगर आयुक्त जो है चंद्रमोहन कश्यप हमसे जुड़े हुए हैं, न्यूज 11 भारत के कैमरे के सामने मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि सर क्या कुछ किया जा रहा है शहर के एक बिल्कुल एक मास साफ सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग समुचित प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी की आशंका को जो है धनबाद नगर निगम में प्रवेश नहीं करने दें। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक का हम लोगों ने एक रोस्टर बनाया है, और नगर निगम धनबाद के सभी कर्मियों को इस हेतु प्रेरित किया है और उन्हें उत्साहित किया है। कितने लगाए गए हैं मैन पावर, कितना इस्तेमाल हो रहा है, और क्या क्या साधन हमारे पास है, और क्या क्या और लोगों की सहायता मिल रही है? लगभग 1308 सफाई कर्मियों को इस कार्य में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है स्वच्छता पर्यवेक्षक और हमारे धनबाद नगर निगम के 5 अंचल के 5 कार्यपालक पदाधिकारियों को, सिटी मैनेजर को इस कार्य में झोंक दिया गया है। इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले कल से ही जो है अग्निशमन कार्यालय से उनके वाहनों का सहयोग लेकर के पूरे निगम के क्षेत्र को सैनिटाइजेस करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने धनबाद नगर निगम में इस हेतु प्रयास किया था, और आज कतरास, छाताटांड, सिंदरी और झरिया ये 4 अंचलों में सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। सभी वार्डों को दिन के 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक फॉगिंग की व्यवस्था कराई गई है। नालियों की सफाई के लिए 20-20 मजदूरों का टोला बना करके प्रत्येक वार्ड में, हर वार्ड में लगाया गया है, और केमिकल भी पर्याप्त मात्रा में उन्हें आपूर्ति किया गया है ताकि वे नालियों की सफाई को पूर्ण रूप से अंजाम दें। इस प्रकार हम सभी लोग जो है इस गंभीर बीमारी की आशंका को ध्यान में रखते हुए तन मन धन से जुटे हुए। पेयजल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है संकट वर्तमान में? पेयजल की कोई समस्या नहीं है। लोगों को हाथ धोने के लिए हम लोगों ने करीब 11 सेंटर अलग से बनाए हुए हैं इन 5 अंचलों में, जहां पर साबुन और जो है पानी टैंकर से हाथ धोने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। जो भी हम लोगों को सरकार ने निर्देश दिया है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो आपने सुना कि नगर आयुक्त बता रहे थे कि बिल्कुल साफ सफाई चल रहा है, और देखिए सफाई बिल्कुल किस तरह से चल रहा है दोनों समय, देखिए सुबह शाम जो है इस तरह से पूरी कॉलोनियों की साफ सफाई चल रही है। ये लगातार जो हमारे स्वच्छता जो है वॉलेंटियर ये लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को सलाम करने की बात की थी जनता कर्फ्यू के दिन, दरअसल ऐसे ही कर्मियों के बारे में कहा था जो मेहनत कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये बताऊं कि धनबाद नगर निगम में कुल 55 वार्ड है, और सभी वार्डों में इस वक्त में ये कार्य चलाए जा रहे हैं, युद्ध स्तर साफ सफाई के काम चलाए जा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है दुखद पहलू कि हमारा जिला परिषद जो है वो डिफंक्ट हो गया है, अभी तक उसके कार्य जो है पता नहीं चल पा रहे हैं, और जबकि ग्रामीण अंचलों में उसे ही कार्य कराना है तो वहां पर जो सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम होना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, ये दुखद है जी। इसके अलावा अभी क्या लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनके लिए जूझना पड़ रहा है, या वो आसानी से मिल रही है? क्योंकि रोज जो कमाने खाने वाले हैं उनके लिए काफी मुश्किलें इस दौरान है, क्या वहाँ के जिला प्रशासन ने ऐसा कोई फैसला लिया है कि घर घर राशन पहुँचाए जाए या फिर ऐसे लोगों को राहत दी जाए? जी देखिए, अभी तक लोगों के जो मुश्किल हालत में है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए राहत देने की बात कही गई है, लेकिन एक्चुअल में उन तक राहत पहुंच रहा है या नहीं ये थोड़ा जल्दीबाजी होगी बताना, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने या ना तो कोई क्लेम किया है और ना ही हम तक हम जो है ऐसी कोई समस्या हमारे पास पहुंची है। हाँ, ये जरूर है कि 1-2 दिनों के अंदर में इनफैक्ट ये समस्या उभर कर आ सकती है। तो ये निगम इस पर क्या कर रहा है, चलिए जरा सर उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं?
इस आशंका को भी ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न सुरक्षा में 10,000 रुपये की राशि जिला प्रशासन के सहयोग से सभी वार्डों में उपलब्ध कराई गई है और इस आशय से भी हमारे अंचल के सभी सुपरवाइजर्स को सिटी मैनेजर को अवगत कराया गया है कि ज्यों ही आप इस राशि की आवश्यकता को महसूस करें तुरंत योग्य लाभुकों को इस बीच उपलब्ध करावें। जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है उन पर आप लोग हमेशा सतत निगरानी रखें और ये राशि जो है उनके ऊपर जो है व्यय करें जी। तो देखिए आसिया, शाम में इस मामले पर जिला प्रशासन, चूंकि अभी नगर आयुक्त से बात हो रही थी, चंद्रमोहन कश्यप थे, शाम में 6 बजे हम कोशिश करेंगे कि धनबाद उपायुक्त अमित कुमार से भी बात होगी, वो सीधे लाइव हमसे जुड़ेंगे और यहाँ पर अब तक क्या हो रहा है, क्या कुछ उन्होंने किया है, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही बाजार समिति में जो व्यापारी हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है, काफी देर तक हम इस पर चर्चा हुई है कि कैसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे, इस पर एक गहन चिंतन गहन मंथन हुआ है, तो उनसे भी हम जायजा लेंगे, क्योंकि 6 बजे हमारी बातचीत के बाद, चूंकि सीधे तौर पर कहें तो रात की प्रतीक्षा सब पूरा देश कर रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री 8 बजे जो है जनता के नाम संबोधन करने वाले हैं, तो हम सबकी जो है नजरें टिकी हुई है और इस वक्त में देश जो है सभी लोग जो है जो भी इस वक्त में घर में है वो टीवी के जरिए समाचार के जरिए लोग पल पल की खबरों को देख रहे हैं और न्यूज 11 भारत इस वक्त में सभी को हर खबरों से बाखबर करा रहा है, रूबरू करा रहा है जी। चलिए शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोशिशें हो रही हैं हमारी हमारे चैनल की कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, घरों से बाहर ना निकलें, कोई दिक्कतें हैं उसका भी समाधान की कोशिश में न्यूज 11 भारत लगा हुआ है ताकि प्रशासन तक वो बात पहुंचे और उसका समाधान हो। पढ़ते हैं आगे।